को मैंने जय श्री राम। आज हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ओके, नाउ वी आर विद द पार्ट थ्री ऑफ वर्ब। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। राइट, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या होती हैं? हम क्या सुनते आ रहे हैं बचपन से, वी वन, वी टू, वी थ्री। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। सबको लगता है कि हमें वर्ब की फॉर्म जो है वो आती हैं, बट उसमें भी आपको बहुत सारे अलग अलग फॉर्म जो होती है वो समझनी पड़ती है। ठीक है, फर्स्ट वी विल कंटिन्यू विद, पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सबको क्या पता है। सबको ये पता है कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कितनी होती हैं, थ्री होती हैं, बट नो, थ्री नहीं होती हैं, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होती है फाइव। कितनी होती है? फाइव, राइट। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी वन मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। ओके, अब सिंपल प्रेजेंट क्या होती है? सिंपल प्रेजेंट होती है, इसको हम प्लूरल में काउंट करते हैं। प्लूरल में काउंट क्यों करते हैं? लाइक दे है, ठीक है। अब दे क्या होता है? दे प्लूरल होता है, बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है। जब दे के साथ टेक यूज होगा, दे के साथ टेक यूज होगा तो वो क्या बन जाएगा? क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है, तो टेक भी क्या होगा? प्लूरल होगा। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जो वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो फर्स्ट फॉर्म होती है जिसमें ना तो एस लगता है ना एस लगता है, वो सिंपल होती है। ठीक है, बट अगर वो प्लूरल के साथ लगेगी, लाइक प्लूरल नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट होगा, भी यहाँ पे दे क्या है? दे यहाँ पे है नाउन, यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? दे प्लूरल है, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। वी, डब्ल्यू ई, वी, अगर वी के साथ लगता है टेक, तब भी ये क्या होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि वी क्या है? वी भी प्लूरल है। अगर दो लोगों का नाम आ गया, सपोज राम और सीता, ठीक है, राम सीता आ गया, राम एंड सीता, लाइक राम एंड सीता अगर यहाँ पे आता है तब भी ये क्या होगा? ये प्लूरल होगा, राम एंड सीता, तब भी यहाँ पे टेक ही आएगा, तब भी टेक्स नहीं आएगा, क्योंकि राम और जो सीता क्या है वो प्लूरल है, हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है? यहाँ पे प्लूरल, इसको भी हम यहाँ पे प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, इसको सिंपल प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल प्रेजेंट, प्लूरल, राइट। प्लूरल क्यों है? क्योंकि ये जो हमेशा होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर विदाउट एस और ईएस के लगेगी तो वो किसके साथ लगेगी? किस पे प्रोनाउन होगा? हमारा प्लूरल, ठीक है, तो उसके साथ ही क्या लगेगी? सिंगुलर, इसको बट हम प्लूरल में बोलेंगे। अच्छा, हम यहीं से जो है घूम के एक बार इधर आ जाते हैं, ये क्या है? सिंपल पार्टिसिपल। अभी सिर्फ आप इतना समझा कि सिंपल पार्टिसिपल है क्या, पार्टिसिपल अभी मैं आपको क्लियर करूंगी कि होता क्या है। अब सिंपल जो पार्टिसिपल है, ठीक है, उसमें क्या होता है? सिंपल पार्टिसिपल में हमेशा सिंगुलर, इसको सिंगुलर क्यों बोलते हैं सिंपल को? क्योंकि ये टेक्स, अभी ये किसके साथ लगेगी? ही के, ही टेक्स, ठीक है, शी टेक्स, तो ये क्या है? ही भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है। अगर किसी वन पर्सन का नाम आ रहा है, अभी मैंने सीता को ले लिया, राम को ले लिया, तो क्या है? राम टेक्स, तो राम क्या है? राम भी सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर के साथ हमेशा एस और ईएस वाली जो फॉर्म लगती है, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, राम स्पीक्स, ठीक है, ये तो ये क्या होती है? ये सब हमारी सिंगुलर फॉर्म में काउंट हो जाती है। इतना क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट कौन सी वर्ब होती है? दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंपल पास्ट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें क्या होता है? सेकेंड फॉर्म होती है। टेक फर्स्ट थी, टुक सेकेंड फॉर्म, स्पीक फर्स्ट फॉर्म थी, एंड स्पोक सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट पास्ट जो है इसमें हमेशा टुक यूज होगा, सिंपल पास्ट, जो हमने सिंपली कल काम किया था, ठीक है, जो भी हमने कल काम किए है, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है, आई विजिटेड मॉल, ठीक, तो ये क्या होता है? ये इसके साथ हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगते हैं। ये तो सिंपल है, इसमें और इनमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम चलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं इसको हम? पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल में होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब,
सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट में होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, विद द प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या होता है? सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक टेक, टुक, स्पीक, स्पोक, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ वर्ब फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें टेक, टुक, टेकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो हमेशा पार्टिसिपल ही होती है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पार्टिसिपल होता क्या है, ठीक। नेक्स्ट है वी फोर, फोर्थ फॉर्म, ठीक है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब टेकिंग, स्पीकिंग, ठीक है, ये इसमें हमेशा क्या होता है पार्टिसिपल में? आई एन जी हमेशा यूज होता है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि पार्टिसिपल हम बोलते क्यों है, ये होता क्या है एक्चुअल में पार्टिसिपल में, ठीक है, क्योंकि बिना, जब तक मैं आपको ये क्लियर नहीं करूंगी तब तक आपको पार्टिसिपल का मीनिंग समझ नहीं आएगा और आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि ये सिर्फ थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, बट एक्चुअल में फाइव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होती है, राइट। अब देखिए, अब उन्होंने बोला पार्टिसिपल, पार्टिसिपल होता क्या, ठीक। पार्टिसिपल होता है जब भी जो वर्ब होती है, राइट, जो वर्ब होती है, वर्ब होगी वो कभी कभी या समटाइम्स नाउन का काम करती है। किसका काम करती है? वर्ब कभी कभी नाउन का काम करती है तो वो पार्टिसिपल बन जाती है, क्लियर। अब इसमें क्या है, वर्ब नाउन का काम कैसे करेगा? अब आप ये बोलोगे कि आखिर जो वर्ब है वो नाउन का काम कैसे करती है? अब वर्ब नाउन का काम ऐसे करती है जब वर्ब के साथ, ठीक है, जब भी हमेशा वर्ब के साथ आई एन जी लगता है, ठीक है, और वो हमें क्या बताता है? वो हमें किसी की स्पेशलिटी बताता है, तो वो क्या बन जाता है? वो हमेशा बन जाता है जीरंड, क्या बन जाता है वो? जीरंड, ठीक है, जीरंड बन जाता है, ठीक है। सॉरी, वहां पे नाम था नाम, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल जो होता है उसमें हमेशा जो नाउन प्लस जीरंड, जीरंड मतलब आई एन जी, जीरंड का मतलब होता है आई एन जी, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? पार्टिसिपल, ठीक है, वो क्या बन जाता है? पार्टिसिपल। आई होप कि इतना सबको क्लियर है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, सिंपल प्रेजेंट प्लूरल क्यों बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट को, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को? क्योंकि विदाउट एस के, जब भी ये फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, जब भी वर्ब की फॉर्म लगती है विदाउट एस के, वो हमेशा प्लूरल के साथ लगेगी। दे भी दो लोगों के नाम के बारे में बात कर रहे हैं, दो काफी लोगों के एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एस और एस के बिना। सिंपल पास्ट में क्या होगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल, टेकन, स्पोकन। अब पास्ट, अब इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, टेकन क्या है। हमेशा क्या होता है, जब कोई भी वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव, किसी की विशेषता बता रही होती है नाउन की, ठीक है, जब विशेषता बताती है तो उसको वो हमेशा, एक चीज ध्यान रखना, जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी वो हमेशा एडजेक्टिव होगी, ठीक है, वो क्या होगी? हमेशा एडजेक्टिव होगी, राइट। तो इसलिए ये जो यहाँ पे टेकन, स्पोकन, ठीक है, शी हैज स्पोकन लाउडली, ठीक है, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि पार्टिसिपल होता क्या है, जब भी, ठीक, नाउन के साथ आई एन जी मिल जाता है, नाउन के साथ आई एन जी मिल जाता है, ठीक है, तो वो जीरंड का काम करता है, जीरंड बन जाता है, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, आप उससे आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। अगेन आई एम राइटिंग, इफ यू वांट यू कैन टेक डाउन इन योर रजिस्टर, ओके ओके, नाउ स्टार्ट राइटिंग।
developed country, the development country, the development developed country. Countries, sorry, should help the country, should help the developing countries. अब इसमें डेवलप क्या है, डेवलप कंट्रीज, अब ये कोई एक्शन तो यहाँ पे नहीं बता रहा डेवलप, ठीक है, कि कंट्री की विशेषता बता रहा है हमें, कंट्रीज कैसी कंट्रीज, क्या विशेषता है उनकी, स्पेशलिटी क्या है, क्या चीज स्पेसिफाई कर रही है कंट्रीज को, कंट्रीज को स्पेसिफाई कर रहा है डेवलप्ड कंट्रीज है, कैसी कंट्री है, डेवलप्ड विकसित. द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज. अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, द डेवलपिंग कंट्रीज, ये आई एन जी लग गया है. अब यहाँ पे कंट्रीज कोई एक्शन नहीं कर रही है, सिर्फ ये कंट्री की हम कैसी कंट्री है वो द डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये क्या बन जाता है जीवन. वर्ब में जब आई एन जी एड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है जीवन, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है. कंट्रीज है बट कैसी है, द डेवलपिंग कंट्रीज. क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है. पार्टिसिपल में हमेशा जो आई एन जी होता है वो जेरंड का काम करता है, जैसे द डेवलपिंग कंट्रीज, और जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो हमेशा एडजेक्टिव का, इसमें ये क्या है एडजेक्टिव, डेवलप क्या है इसमें डेवलप है एडजेक्टिव, ठीक है एडजेक्टिव है, और डेवलपिंग क्या है, डेवलपिंग क्या है जेरंड, क्या है डेवलपिंग जेरंड. आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टिसिपल होता क्या है, क्योंकि पार्टिसिपल क्लियर होना बहुत जरूरी है. जब तक आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पता नहीं लगेगी, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का बहुत रोल होता है ग्रामर में, ठीक है, तो इसके और अलग अलग, इसलिए आपको इन सारे रोल्स को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के रोल क्लियर नहीं होंगे तो आपको एक्टिविटीज सेंटेंसेस भी क्लियर नहीं होंगे, ठीक है. लाइक अब जैसे डेवलप्ड कंट्री, कई लोगों को, अगर कई बच्चों को ये चीज देखनी पड़ती तो वो क्या करते, वो इस डेवलप्ड को वर्ब बना देते थे, बट नो, this is not verb, this is adjective here, क्योंकि countries की क्या बता रहा है, countries की यहाँ पे specialty बता रहा है, specify कर रहा है country को. The developed countries should help the developing countries. अब इन countries को, इन countries की क्या करनी चाहिए, क्या action आ रहा है, दोनों से related जो action है वो है help, तो help क्या है यहाँ पे, help verb है. I hope इतना आपको clear हो गया होगा, clear? तो अगर आप चाहें तो इसको आप अभी आप नोट डाउन कर सकते हैं. आई होप इट इज हेल्पफुल टू यू. ओके, सो अगेन आई एम राइटिंग सम फॉर्म्स ऑफ द वर्ब विच इज वेरी यूजफुल, क्योंकि जिसमें बच्चों को ऑलमोस्ट कंफ्यूज किया जाता है, बच्चों को लगता है कि टेक टेकन, टेक टू टेकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, राइट एंड राइट रोट रिटन, सिर्फ यही फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होती है, बट नो, कुछ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, तो अभी मैं यहां पे वो लिख देती हूँ, आप चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है. एक बार मैं यहां आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ कि V3 एंड V4 जो है फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है और V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है. V3 कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और V4 कौन सी होती है, ING वाली, राइट, वो हमेशा पार्टिसिपल का काम करती है. V3 और V4 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और V4 मतलब ING, वो हमेशा पार्टिसिपल का काम करती है. पार्टिसिपल का काम क्यों करती है, क्योंकि जो फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है जब नाउन के साथ, क्योंकि अगर अभी भी पार्टिसिपल किसी को क्लियर नहीं हुआ है इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है. जब नाउन जो है, कभी कभी जब वर्ब जो होती है वो नाउन का काम करती है, वो नाउन का काम करती कैसे है, ING लगाकर, ठीक है. उसका अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया है, द सॉरी यहाँ पे डेवलपिंग, डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग ठीक. अब यहाँ पे ING का जो काम करती है वो क्या होते हैं, जब नाउन और ING मिक्स हो जाते हैं तो वो जीरण का काम करते हैं, तो वो क्या हो जाती है हमारा
पार्टिसिपल हो जाता है। इसी तरीके से जब एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता, किसी को स्पेसिफाई करता है किसी चीज़ को, उसमें क्या होता है, उसमें जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा किसी चीज़ की स्पेशलिटी बताती है, जैसे ये है डेवलप्ड, अभी कंट्रीज हैं, कैसी कंट्रीज हैं, कैसे स्पेसिफाई जो कर रहा है वर्ड वो है डेवलप्ड, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, सो दिस इज पार्टिसिपल, ओके नेक्स्ट। और ये हमेशा जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक ऐसी फॉर्म है जो एडजेक्टिव होती है, और कोई फॉर्म ऑफ द वर्ब एडजेक्टिव नहीं होती है। आई होप इट्स क्लियर, लाइक ओके नाउ सो आई एम गिविंग यू एग्जांपल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, लाइक द डेवलप्ड कंट्रीज, कंट्रीज कैसी हैं, डेवलप्ड हैं, ओके, शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये जो द डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये क्या है, जीरन, जीरन कैसे है, क्योंकि द डेवलप में आई एन जी एड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रीज कैसी हैं, कैसी कंट्रीज है, ये है एडजेक्टिव, डेवलप्ड कंट्रीज है, बट दोनों को जो मिलाने का काम कर रहा है वो है हेल्प, तो हेल्प यहाँ पे वर्ब है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे डेवलप को, ये डेवलपिंग को हमने वर्ब क्यों नहीं माना है, अब वर्ब तो भैया हम तभी मानते हैं ना अगर वो हमें किसी काम के करने के बारे में बता रहा है, कोई एक्शन हो रहा है वहाँ पे, बट जब वहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है तो हम डेवलपिंग को या डेवलप को हम वर्ब कैसे बोलेंगे, राइट, तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे पार्टिसिपल है, क्लियर है इतना, ठीक है। तो जब भी हमें जब किसी चीज़ से, किसी वर्ड से काम कर दिया, कुछ भी काम हो रहा है, कर रहे हैं, किसी एक्शन का पता लगता है, वो वर्ब होती है, बट यहाँ हमें डेवलपिंग में और डेवलप में किसी एक्शन का पता नहीं लग रहा है, ये स्पेसिफाई कर रहा है, राइट। नेक्स्ट है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अब यहाँ पे डेवलप क्या है, यहाँ पे डेवलपिंग वर्ब है, राइट, वो वर्ब कैसे, द प्रोजेक्ट वॉज डेवलपिंग बाय हर, प्रोजेक्ट उसके थ्रू डेवलप हो रहा था, ठीक है। और अगर यहाँ पे आई एन जी की जगह भी मैं यहाँ पर ई डी यूज कर देती हूँ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज कर देती हूँ, द प्रोजेक्ट वॉज डेवलप्ड बाई हर, कि वो प्रोजेक्ट उसके द्वारा डेवलप किया गया, क्लियर, ये यहाँ पे वर्ब हो जाता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, दिस वॉज स्पोकन बाई हिम, ये उसके द्वारा बोला गया, ठीक है, ये इसके, यहाँ पे स्पोकन क्या है, हमें पता है उसने जो काम किया ये एक्शन है, तो यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, राइट। नेक्स्ट, द कॉलेज हैज इंट्रोड्यूस्ड स्पोकन इंग्लिश, अब यहाँ पे तो स्पोकन वर्ब है, तो यह क्या यहाँ पे स्पोकन वर्ब है, नो दिस नॉट वर्ब, यहाँ पे वर्ब का काम इंट्रोड्यूस्ड करता है, ठीक है, काम क्या कर रहा है, कैसा क्या काम किया है, इंट्रोड्यूस किया है किसने, इस वर्ड ने, तो इसलिए ये वर्ब है, स्पोकन इंग्लिश वो एडजेक्टिव हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। तो अब हम जो है, अब हम नोट डाउन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स जिससे बच्चे ऑलमोस्ट कंफ्यूज होते हैं, राइट, सो गो टू विद दैट। कुछ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स होती है जैसे कम, केम, कम, ठीक है, अब इन दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसको हम एडजेक्टिव में काउंट करते हैं, ठीक है। रन, 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 इसमें भी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, दिस इज वी थ्री, ठीक है। अब इसमें स्विम, स्वैम, स्वम, ये तो डिफरेंट है, ये तो पता ही लग रहा है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जिसमें ऑलमोस्ट एग्जाम टाइम पे आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, राइट, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये जो फ्लो है, ये है फ्लो, फ्लोट, फ्लो, ये है फ्लाई उड़ना, ये है फ्लो बहना, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, जब भी सेंटेंस आता है वो सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ते, वो क्या करते हैं, ये जो एक फ्लोन ये दिया होगा, ठीक है, और वहाँ पे फ्लो दिया होगा, ये फ्लू दिया होगा, बट ये इसको क्या समझ लेते हैं, ये इसकी फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट बहने वाली जो सेंस में होता है वो फ्लोड होता है, ठीक है, फ्लो, 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 ठीक है, ये फ्लो यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, बट जबकि ये फ्लाई से रिलेटेड है, फ्लाई, फ्लू, फ्लो, फ्लो हमेशा जो बहने वाला होता है वो फ्लोड, फ्लोड होता है, क्लियर। नेक्स्ट, ओवरफ्लो, ऐसे ही ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, इसका भी फ्लो नहीं होता, कई बच्चे क्या करते हैं इसको फ्लो बना देते हैं, ओवरफ्लो, ठीक है, जो रॉन्ग है। नेक्स्ट, अब एक होता है पियर, एक पियर होता है बर्थ, जन्म से रिलेटेड, आई होप इट इज क्लियर,
बीआर होता है जन्म से रिलेटेड, इसकी सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोर्न, थर्ड इज बॉर्न। ठीक, एक और बीआर होता है जिसका मीनिंग होता है टॉलरेट, टॉलरेट करना, सहन करना। ठीक है, तो उसकी सेकंड फॉर्म बेर, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, बोर बॉर्न। दोनों की स्पेलिंग अलग है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट दोनों का मीनिंग बी ई ए बियर, वो आपको सेंटेंस पढ़ के अच्छे से समझ के फिर करना है, क्योंकि कई बार वो बियर बर्थ की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो आप उसमें ये वाला यूज कर लेते हो टॉयलेट वाला, तो कई बार बियर जो है टॉयलेट की फॉर्म में आता है उसमें आप बर्थ वाला यूज कर लेते हो, तो ये चीजें आपको क्लियर करनी है, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट है, कुछ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एज इट इज होती है, वो कभी चेंज नहीं होती, लाइक कास्ट कास्ट कास्ट। अब ये कास्ट वो वाला कास्ट नहीं है जो आप समझ रहे हैं कास्टिज्म वाला, ये कास्ट है वोट देने वाला, राइट, लाइक वी कास्ट वोट इज कास्टिंग टूडे, सो ये है वोटिंग वाला कास्ट। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, इनकी सेम रहते हैं बट इनके मीनिंग चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, उसके बाद है स्ले स्ल्यू स्लिंग, स्ले होता है कत्ल करना, स्ले क्या होता है कत्ल करना, ठीक, स्ले स्ल्यू स्ले। नेक्स्ट है हैंग हैंड हैंग, और यहाँ पर है हैंग हंग हंग। अब ये जो हैंग है ये वाला, ये किसी प्रिजनर से रिलेटेड होता है, ठीक है, और ये जो है हंग है, ये अगर हमें यहाँ पे किसी प्रिजनर को सपोर्ट हैंग किया, द प्रिजनर इज हैंग, उसको हैंग कर दिया, फांसी दे दी है, ठीक है, और ये हैंग होता है लाइक हैंगिंग द क्लोथ्स फोटो, ठीक है, आई हंग अ फोटो ऑन द वॉल, राइट, तो उसमें क्या यूज होगा, हंग हंग हैंग हंग हंग, तो ये किससे रिलेटेड है, क्लॉथ से या फोटो से, और ये हैंग हैंड हैंग रिलेटेड है प्रिजनर से, किसी को फांसी देना, क्लियर। नेक्स्ट, ऐसे ही लाई भी जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक लाई का मतलब होता है झूठ LIE, और एक लाई का मतलब होता है लेटना, ठीक है, अब वो भी आपको सेंटेंस से अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। लाई लाइट लाइट, ये क्या होता है, एक तो होता है झूठ, अगर ये नहीं क्लियर है तो मैं इसको एक रब करके अगर ऊपर मेंशन कर देती हूँ, अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, राइट, आई होप इट इज क्लियर। तो अगर वीडियोज आपको पसंद आ रही हो, ठीक है, आप एक बार जो है लाइक के बटन भी क्लिक कर सकते हैं, राइट, अभी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, देखो एक लाइव होता है झूठ और एक लाइव होता है लेटना, ठीक है, एल आई लाइट लाइट, ठीक, लाइट लाइट लाइट, और ये लाइट जो लेटने वाला होता है ले और लेन, एल ए आई एन, अब दोनों में देखो कितना डिफरेंस है, झूठ वाला है यू लाइट यू आर टेलिंग लाइट, ठीक है, और लाइट लेटना होता है ले, जस्ट ले डाउन और लेन, ठीक है, आई लेन डाउन फॉर सम टाइम बिकॉज आई वॉज टायर्ड, ठीक है, और एक होता है आपका ले, इसका मतलब क्या होता है, रखना बिछाना, ठीक है, प्लीज ले द मैट, ठीक है, राइट, तो इसमें भी आपका क्या बन जाता है, लाए ले लेट, एल ए आई डी लेट, एल ए आई डी लेट। तो ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, आपको लगता है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स आपको क्लियर है, बट नो वो क्लियर नहीं होते क्योंकि इसके मल्टी मीनिंग्स निकल जाते हैं, तो ये आपको पहले अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें एक ले का मतलब होता है अंडे देना, ठीक है, जैसे द बर्ड लेज एग्स इन द नेस्ट, ठीक है, द बर्ड लेज एग इन द नेस्ट। और इस हैंग का एक बार और क्लियर कर देती हूँ, हैंग होता है किसी को फांसी पे चढ़ाना प्रिजनर को, और हैंग हंग हंग होता है कोई फोटो लटकाना, ठीक है, और कोई आपको
क्लॉथ कपड़े सुखाते हैं जैसे हम, कि कपड़े हैंग करना, ठीक, तो वो हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है सेंटेंस एक बार क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे आपको बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आएगा जब तक फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपको इसी में कंफ्यूज करते हैं। वो अगर आपको लाई दे देते हैं, ये वाला लाई दे देते हैं, और सेंटेंस आप ये वाला समझ लेते हो, तो जहाँ पे थर्ड फॉर्म ये आनी चाहिए, लाइट आनी चाहिए झूठ बोलने वाली जगह, वहां पे आप लेट कर देते हैं। ठीक है, कई बार लेटने से रिलेटेड सेंटेंस होता है, बट आपको क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर देते हो, आप लाइट कर देते हो। क्लियर, तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, ओके, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर वीडियोज। ओके, सो जय श्री राम सभी को, धन्यवाद।